हेलो, ट्रिवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारत के राजपूतों की एक प्रथा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो भारत में राजस्थान के राजपूतों की शौर्य गाथाएं आज भी हम सभी को सुनने को मिलती हैं। भारत के कई इतिहासकारों ने राजपूतों की इस प्रथा का वर्णन अपने ऐतिहासिक पुस्तकों में नहीं किया है, लेकिन हमने जो अपने स्रोतों से ढूंढा या हमने कहीं किसी छोटी मोटी पुस्तक में पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं राजस्थान के राजपूतों की एक प्रथा के बारे में आपसे बताऊंगा। राजस्थान के राजपूतों में एक प्रथा प्रचलित थी जिसे कि शाका प्रथा कहते थे। अगर हम राजपूतों के इतिहास को देखते हैं तो राजपूतों में राजपूत छत्राणियों के बीच एक प्रथा चलती थी जिसे कि जौहर प्रथा बोलते थे। और जौहर प्रथा के बारे में आप जानते हैं कि राजपूत छत्राणियां अपने को दुश्मन या शत्रुओं से बचाने के लिए एक साथ अग्नि में प्रवेश करके अपने को भस्म कर लेती थी और उसी को जौहर प्रथा कहते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जौहर के दूसरे दिन भी राजपूतों में एक प्रथा होती थी और उसके बिना जौहर को अधूरा माना जाता था। जी हाँ, राजस्थान में इसी प्रकार की एक और प्रथा चलती थी जो जौहर के दूसरे दिन होती थी और उसे बोलते हैं शाका प्रथा। शाका प्रथा, शाका प्रथा वो थी जो जौहर के दूसरे दिन होती थी। और जौहर जो कि राजपूत छत्राणियों से संबंधित प्रथा थी, वहीं पर शाका राजपूतों से संबंधित प्रथा थी। शाका जौहर के दूसरे दिन ही किया जाता था। शाका एक राजपूत योद्धाओं द्वारा अपने लिए बनाई गई प्रथा थी। शाका राजपूत योद्धाओं द्वारा मृत्यु से निडर होकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रथा थी। कहते हैं कि राजपूत जब तक जिंदा रहते थे, दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान और मौत के घाट उतारने के लिए शाका करते थे। शाका वो प्रथा थी जिससे शत्रु और दुश्मन थर 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 कांपते थे। इस प्रथा में शाका करने वाले राजपूत योद्धा अपने सिर पर जौहर के दूसरे दिन केसरिया रंग की पगड़ी पहन करके मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक माना गया है। ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती थी जो जौहर नहीं करती थी और युद्ध करने में सक्षम होती थी। शाका प्रथा में राजपूत ये समझ जाते थे कि अब उन्हें घर वापस नहीं आना है। ये किसी भी शत्रु और दुश्मन को बहुत डराने वाला मंजर होता था, क्योंकि इसको करने वाले योद्धा मौत का डर बिल्कुल छोड़ देते थे और वो अपने वर्तमान स्थिति से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा साबित होते थे। शाका एक प्रकार का जौहर होता था। किसी भी हमले की आशंका को देखते हुए जब रानियां और राज परिवार की औरतें जलते हुए आग में कूद कर स्वयं के प्राण त्याग देती थी, ऐसा वे शत्रुओं से अपने सम्मान के रक्षा के लिए करती थी। लेकिन जौहर के बाद सभी राजपूत क्षत्रिय इकट्ठा होते थे और वो शाका को अपनाते थे, क्योंकि अब वो मेंटली या मानसिक रूप से पूरी तरह से ये निश्चिंत हो जाते थे कि युद्ध में हारने पर, किसी भी प्रतिकूल की परिस्थिति आने पर, अब उनके घर और परिवार के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके आंखों के सामने उनके घर की महिलाएं कुलवधुए अपने को जौहर कर लेती थी। ऐसे में राजपूत क्षत्रिय अब ये समझ लेते थे कि अब उनको भी मृत्यु का बाना पहनना है और इसके अंतर्गत वो केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध में दूसरे दिन उतरते थे और इस लक्ष्य के साथ जाते थे कि या तो वो युद्ध जीतेंगे या युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन युद्ध में वो मरते दम तक लड़ेंगे। अब उनको कायरता के साथ वापस नहीं आना है, हार करके वापस नहीं आना है, अब उनको युद्ध जीत करके आना है या पराजित होने पर वही युद्ध के मैदान में ही उनको मृत्यु का वरण कर लेना है। राजस्थान के शाका के अगर इतिहास को देखें तो
राजस्थान में कुछ राज्यों में हमें शाका के बारे में विवरण मिलता है, जैसे कि जैसलमेर में कुल 3 शाका किया जाता है। जैसलमेर का पहला शाका 1294 ईस्वी में होता है। इस समय जैसलमेर में राजा महारावल मूल राज जीत सिंह का राज होता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उनके राज्य पर हमला किया और जैसलमेर के सभी मर्द केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। दूसरी ओर 22,000 राजपूत छत्राणियां अपनी वीरांगनाओं के साथ आग में कूदकर जौहर कर लेती हैं और कहा जाता है कि जैसलमेर का यह शाका 12 वर्ष तक चलता है, अर्थात 12 साल तक राजपूत युद्ध लड़ते रहते हैं और अपने को मृत्यु को समर्पित कर देते हैं, वीर गति प्राप्त होते हैं लेकिन हार नहीं मानते। जैसलमेर का दूसरा शाका 1315 ईस्वी में होता है। इस समय दद्दा त्रिलोक सिंह जैसलमेर के राजा होते हैं। फिरोज तुगलक का उनके राज्य पर हमला होता है, साके की तैयारी होती है, छत्राणियों द्वारा जौहर किया जाता है और वीर सैनिक अंतिम सांस तक उस युद्ध को लड़ते हैं। जैसलमेर का तीसरा शाका अर्ध शाका होता है। ऐसा शाका जिसमें वीरों के द्वारा केसरिया वस्त्र पहना जाए किंतु जौहर ना हो सके, ऐसा शाका अर्ध शाका कहलाता है। जैसलमेर में लूणकरण के शासन काल में एक अर्ध शाका भी देखने को मिलता है। 1550 ईस्वी में जैसलमेर पर राजा लूणकरण का शासन होता है। लूणकरण का एक अफगानी मित्र होता है जिसका नाम अमीर अली पठान होता है। वो जैसलमेर जब आता है तो उसके ठहरने की उचित व्यवस्था की जाती है। पठान को जब ये पता चलता है कि दुर्ग में कुछ सैनिक और राजा और उनकी कुछ रानियां ही उपस्थित हैं, तो राजा से कहता है कि उसकी बेगमें यहाँ की रानियों से मिलना चाहती है। राजा लूणकरण अपनी रानियों को डोली में बैठाकर अमीर अली पठान की बेगमों से मिलने के लिए भेज देते हैं। डोली में कुछ सैनिक भी गुप्त रूप से बैठे होते हैं किंतु रास्ते में भेद खुल जाता है और रास्ते में जौहर की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जौहर की व्यवस्था न होने पर राजपूत सैनिक अपनी सभी स्त्रियों और रानियों को खुद ही अपनी तलवारों से मार देते हैं और इसके बाद वो दुश्मन की सेना से मुकाबला करते हैं। तो ये शाका अर्ध शाका होता है क्योंकि इसमें महिलाएं जौहर नहीं करती हैं बल्कि उनके पतियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में भी 3 शाका मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ में पहला शाका 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनके राज्य पर आक्रमण किया जाता है और उस समय रानी पद्मनी सहित कई राजपूत छत्राणियों द्वारा जौहर किया जाता है। जौहर के दूसरे दिन राजपूतों द्वारा शाका किया जाता है और युद्ध में वो अंतिम सांस तक लड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाका है ये 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में होता है, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और उस समय रानी करमवती द्वारा हुमायूं से सहायता मांगी जाती है। हुमायूं की सहायता न मिलने पर या सहायता देर में पहुंचने पर राजपूत छत्राणियां जब अपने को असुरक्षित मानती हैं तब वो जौहर करती हैं और रानी करमवती के द्वारा स्वयं जौहर किया जाता है। इसके दूसरे दिन चित्तौड़ के समस्त राजपूतों द्वारा शाका अपनाया जाता है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाका 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय होता है और इस युद्ध के समय स्त्रियों के द्वारा जौहर किया जाता है। इसमें राणा उदय सिंह की सेना के द्वारा शाका किया जाता है। यही वो युद्ध होता है जिसमें राजपूत सैनिक और राजपूत सेनानी जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना के साथ मुगल सेना का जमकर मुकाबला करते हैं और ये शाका भी मुगल शासन के लिए बड़ा भयानक सिद्ध होता है।
गागरोण के किले में भी दो शाखा देखने को मिलते हैं। 1423 ईस्वी में जब वहां के पराक्रमी शासक अचलदास खींची के शासनकाल में मांडू के सुल्तान अलब खां या जिसे होसंग शाह कहते हैं उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। भीषण संग्राम के दौरान अचलदास अपने बंधु बांधवों और समस्त योद्धाओं के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानियों के द्वारा और दुर्ग की अन्य राजपूत ललनाओं के द्वारा अपने को जौहर की ज्वाला में होम कर दिया जाता है। अगरोण के किले में दूसरा साका 1444 ईस्वी में होता है जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने विशाल सेना के साथ इस दुर्ग पर आक्रमण किया तब वहां की सभी स्त्रियों के द्वारा जौहर किया गया और राजपूतों के द्वारा साका अपनाया गया। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर में भी साका देखने को मिलता है। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय ये साका अपनाया जाता है। इसमें उस समय के शक्तिशाली राजा हमीर देव चौहान अपने कुछ विश्वासघातियों के कारण वीरगति को प्राप्त होते हैं और उनकी रानी रंगा देवी के द्वारा अपनी छत्राणियों के साथ जौहर किया जाता है। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का सबसे पहला साका माना गया है। जालौर में भी एक साका होता है। जब प्रतिहार शासक जालौर के किले से चले जाते हैं तो इसके बाद कई राजवंशों ने इस किले पर शासन किया था। इस किले को मारू के 9 किलो में एक माना जाता है। ये किला इतिहास की दृष्टि से सबसे मजबूत किला माना जाता है। इस किले के बारे में मशहूर था कि आकाश फट जाए, पृथ्वी उलट जाए, लोहे के कवच को टुकड़ों में काट दिया जाए, शरीर को अकेले लड़ना होगा लेकिन जालौर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। और कन्हड़ देव के शासनकाल में 1311 में और 12 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है। जालौर के प्रसिद्ध शासक कन्हड़ देव को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर कब्जा कर लेता है। तब जालौर का पहला साका होता है के बाद राठौर राजा मालदेव के द्वारा मुस्लिम अधिपत्य को समाप्त किया जाता है और इस किले पर राठौड़ों का शासन स्थापित किया जाता है। तो हम देखें तो राजस्थान को जहां पर हम जौहर के बारे में जानते हैं वहां पर राजपूत क्षत्रियों के द्वारा साका भी अपनाया जाता था और साका वो प्रथा थी जहां पर जौहर में महिलाएं अपने आप को अग्नि में होम करती थी। वहीं पर साका के केसरिया पगड़ी को देखकर दुश्मन थर 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 कांपते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुकाबला किसी सैनिक या सेना से नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने आपको राजस्थान की गौरवशाली प्रथा साका से परिचित कराया है।